सोलन में राष्ट्रवादी पार्टी ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा ने की। ललित राणा ने जानकारी में बताया कि इस बार उनकी राष्ट्रवादी पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया कि शिमला संसदीय क्षेत्र में विकास अछूता रहा है, सड़कें, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के जो वायदे भाजपा ने किए थे वे पूरे नहीं हो सके हैं। उन्होंने बताया कि देश भर में वे 24 सीटों में चुनाव लड़ रही है, वहीं हिमाचल में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ललित राणा ने कहा कि उनकी राष्ट्रवादी पार्टी शिमला और मंडी से चुनाव लड़ेगी। मंडी में अभी तक कोई प्रत्याशी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन सोलन से उनकी पार्टी से मनोज रघुवंशी प्रत्याशी होंगे। उन्होंने बताया कि मनोज रघुवंशी सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। वे अस्पताल की समस्याओं को कई बार उजागर कर चुके हैं। कई बार बद्दी में फैल रहे प्रदूषण को लेकर प्रदेश सरकार को कई बार चेताया है और उनका जिला सोलन में अच्छा रुतबा भी है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी शिमला विधानसभा क्षेत्र में अपने पदाधिकारी नियुक्त कर चुके हैं, वहीं अब अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ा जा रहा है। उन्होंने बताया कि आज उनकी पार्टी में चंद्रकला सूद को महिला परिषद का प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। शिमला कंस्टिट्यूएंसी से आज मनोज रघुवंशी जी को राष्ट्रवादी पार्टी से अधिकृत प्रत्याशी के रूप में घोषित किया गया है। तो सामूहिक रूप से पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा और ऑनलाइन जो नाम सबसे ऊपर निकल के आया मनोज रघुवंशी का, चूंकि ये सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं पिछले 5-6 वर्षों से और कई तरह के स्थानीय मुद्दों पे आपने आंदोलन किए हैं, चाहे वो सिटी हॉस्पिटल का मुद्दा रहा हो, स्वास्थ्य कैंप लगाने का मुद्दा रहा हो और चाहे नालागढ़ में फैक्ट्रियों के द्वारा प्रदूषित जल से गाँव में कैंसर फैलने से लेकर NGT तक जाने की बात रही है। तो आज और हमें उम्मीद है कि इस सीट पर मनोज रघुवंशी भारी मतों से जीतकर लोकसभा के अंदर जाएंगे। युवाओं की बात वहां पर उठाई नहीं जा रही है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है, शिक्षित युवाओं के लिए कोई स्थान नहीं है, शिक्षा को लेकर भी किस तरह का सौतेला व्यवहार प्रदेश के अंदर हो रहा है, उसके अलावा भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य, ये हमारे असली मुद्दे हैं। हिमाचल प्रदेश की 2 सीटों पर राष्ट्रवादी पार्टी चुनाव में है, इसके अलावा मंडी सीट है जहाँ पर 30 तारीख को हमारा प्रत्याशी घोषित होगा। आपको बता दें कि मनोज रघुवंशी भाजपा सोलन मंडल के सचिव रह चुके हैं और उनका मानना है कि शिमला संसदीय सीट हो या विधानसभा के चुनाव, उनमें हमेशा परिवारवाद ही हावी रहा है, जिसकी वजह से वे बेहद आहत हैं, क्योंकि भाजपा की कथनी और करनी में बेहद अंतर है, इसलिए वे काफी समय पहले भाजयुमो से इस्तीफा दे चुके हैं।